सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। और सबसे पहले जो देहरादून के बार एसोसिएशन की जो तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस केस को बड़ी शक्ति से लड़ा और आज हम बाहर आ गए हैं। और उसके उपरांत जो हमारे साथी इतने दिनों से हमारे जेल के अंदर रहते हुए भी जिन लोगों ने उम्मीद नहीं तोड़ी, जिन लोगों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, जो अभी भी अडिग हैं अपनी मांग पर, उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ इस मुहिम को जिंदा रखा, इस आंदोलन को जो है जमानत करके यार ये बाहर आ जाए। तो आज जो है जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई थी, लेकिन उससे पहले कुछ मेडिकल आए थे जिसमें अभियोजन पक्ष इस बात को कह रहा था कि जी अभी कई हमारे दरोगा जो है अस्पताल में भर्ती हैं और प्रेम नगर के जो अश्व है वो आईसीयू में भर्ती हैं, इसलिए इसको 307 बढ़ाई जाए, धारा 307 बढ़ाई जाए। तो हमारे द्वारा उसका पुरजोर विरोध किया गया, हमने साक्ष्य दिए और हमने कहा 307 नहीं लग सकती। तो वो लंच से पहले उस बात पे बहस हुई थी और बाकी ऑर्डर के लिए 2:30 बजे का टाइम रखा था कि इस पे क्या होगा। तो 2:30 बजे सबसे पहले हमने एक ही प्रश्न पूछा कि वो 307 जो रिमांड ले रहे थे क्या वो धारा हटी है या नहीं हटी है। तो फिर सबसे पहले यही प्रश्न का उत्तर मिला कि धारा 307 में रिमांड नहीं होगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि 307 में रिमांड नहीं होगा। अब हम जमानत प्रार्थना पत्र की ओर आगे, जब जमानत प्रार्थना पत्र की ओर आए तो अभियोजन अधिकारी जो थे वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये जो है रोड जाम हुआ, लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, चोटें आई, जो है लोक संपत्ति अधिनियम जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, काफी चीजों को नुकसान पहुंचा है। तो हमारे द्वारा अध्यक्ष जी मतलब अभी कोर्ट ने कितने लोगों की जमानत दी और क्या कहा? देखिए इन चीजों में सभी लोगों की जमानत हो गई है और बहुत ही जल्दी वो बाहर होंगे और सब लोगों की जमानत दे दी गई है, क्योंकि काफ़ी तर्क हमने रखे थे, क्योंकि कई पुलिस वाले हाथों में पत्थर लिए और उन्होंने अपनी नेम प्लेट हटा रखी थी। हमने कहा जी अगर किसी को चोट लगी है तो ये पत्थर किसके हैं, ये अगर महिला को कोई जो है पुरुष जो पुलिस वाले हैं वो उठा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा जी यहाँ क्या महिला पुलिसकर्मी नहीं है, ये कौन सा जो है नया कानून आ गया कि महिला न्यायिक प्रक्रिया होगी कब? ये देखिए कि इसमें एक और थोड़ी सी क्या कोई शर्त लगा रखी है कोर्ट ने, क्या कहा? देखिए ये तो खैर बात की बात है, लेकिन एक और जो इसमें एक जो नई दिक्कत आई है वो दिक्कत ये आई है कि पुलिस द्वारा जो है एक और प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया क्रिमिनल हिस्ट्री वाला, कि ये तो क्रिमिनल हिस्ट्री जब दी गई तो हमने उसकी कॉपी मांगी, हमें कॉपी मिली तो तब देखा कि जो है चेन के आधार पर इन्होंने मुकदमे कर रखे थे, जैसे मुकदमा अपराध संख्या 56/2023, 57/2023। तो हमने कहा ये तो एक चेन बना रखी उसी घटनाक्रम को लेके एक चेन बनी हुई है, तो अब इसमें तो जमानत आज हो गई है, अब उसमें अगर रिमांड दिया हुआ है तो कल हम उसमें जमानत प्रार्थना पत्र डालेंगे और